नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन का अध्ययन करेंगे। बड़ी हास्यप्रद बात है कि पहले अध्याय का नाम ही है लास्ट लेसन और इसके लेखक हैं अल्फोंस डाउडेट। तो इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपको समझना होगा कि ये चैप्टर किस पृष्ठभूमि पर आधारित है। वास्तव में ये कहानी शुरू होती है फ्रांस और प्रशिया के बीच हुए युद्ध से। और जब फ्रांस और प्रशिया के बीच युद्ध होता है तो इस युद्ध में प्रशिया जीत जाता है। अब जाहिर सी बात है, जब प्रशिया जीत गया तो उसने क्या काम किया कि उसने फ्रांस के दो जिले, पहला तो अलसास जिला और दूसरा लॉरेन जिला, जैसे हमारे यहाँ पे दो जिले हैं, एक इलाहाबाद जिला है, एक प्रतापगढ़ जिला है, वैसे ही फ्रांस में भी दो जिले थे, अलसास और लॉरेन। तो प्रशिया अलसास और लॉरेन पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद बर्लिन से आदेश आता है, कि अलसास और लॉरेन के स्कूलों में अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो यही पृष्ठभूमि है इस चैप्टर की, एकदम आसान शब्दों में, एकदम सरल शब्दों में। फ्रांस और प्रशिया के बीच युद्ध हुआ, इस युद्ध में प्रशिया जीत जाता है। तो प्रशिया क्या करता है कि फ्रांस के अलसास और लॉरेन जिलों पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद बर्लिन से ये आदेश आता है कि अलसास और लॉरेन के स्कूलों में अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आपकी कहानी जो आपको सुना रहा है उस लड़के का नाम है फ्रेंच, ठीक है। और सबसे मजे की बात यहां पर यह भी है कि अल्फोंस डाउडेट ने खुद फ्रांस और प्रशिया के बीच युद्ध देखा है। अब कहानी आपको जो सुना रहा है उस लड़के का नाम है फ्रेंच, ठीक है। तो फ्रेंच कहता है कि उस दिन मैं स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था और स्कूल जाते हुए वो रास्ते में सोच रहा था कि स्कूल जाने के बजाय वो और कौन कौन से काम कर सकता था, जैसे जंगल में पक्षियों को देखना, सैनिकों को ड्रिल करते हुए देखना। लेकिन फ्रेंच में विरोध करने की क्षमता थी, वो इन सब चीजों को नजरअंदाज करके सीधा स्कूल की ओर बढ़ जाता है। जब वो टाउन हॉल के पास पहुंचता है या फिर टाउन हॉल के पास से गुजरता है तो वो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ थी। वो कहता है कि इसी बुलेटिन बोर्ड से हमारी सारी बुरी खबरें आई थी, जैसे युद्ध हारने के समाचार, सेना में भर्ती संबंधी समाचार, सारे बुरे समाचार इसी बुलेटिन बोर्ड से आए थे। और वो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड पर बहुत भीड़ है तो वो सोचता है कि अब क्या बात हो सकती है, अर्थात अब कौन सी बुरी खबर आ गई। लेकिन उसके पास समय नहीं था कि वो रुक कर पढ़ सके, इसीलिए वो चलता हुआ आगे बढ़ जाता है। लेकिन उसी समय वहीं पर एक वाक्टर नाम का लोहार था जो बुलेटिन बोर्ड पर समाचार पढ़ रहा था। वो पीछे से फ्रेंच को आवाज देता है और कहता है कि लड़के इतना तेज मत जाओ, स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास बहुत समय है। फ्रेंच सोचता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन फिर वो अपने रास्ते सीधा अपने स्कूल की ओर बढ़ जाता है और एम हैमल के छोटे से गार्डन में पहुंचता है। वो कहता है वहां पर, जब स्कूल के गार्डन में पहुंचता है वो, तो वो कहता है कि आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो स्कूल में बहुत ज्यादा शोरगुल होता था। बच्चे एक साथ मिलकर अपना पाठ दोहराते थे तो उसकी वजह से बहुत शोर होता था। बच्चे अपनी मेज खोलते और बंद करते थे, इसकी वजह से बहुत शोर होता था। तो स्कूल जब खुलता था तो स्कूल में बहुत शोर होता था जिसे आप बाहर गली में खड़े होकर भी सुन सकते हैं। लेकिन आज के दिन स्कूल में सब कुछ वैसे शांत था जैसे रविवार की सुबह हो। वो खिड़की से झांक कर देखता है तो देखता है कि सभी उसके जितने सहपाठी हैं वो अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं और उसके अध्यापक जिनका नाम एम हैमल था वो अपनी छड़ी को बगल में दबाए हुए इधर उधर टहल रहे थे। वो सोच रहा था कि अगर शोरगुल हो रहा होगा तो मैं इस शोरगुल के बीच बिना किसी को दिखे सीधा अपने कक्षा में पहुंच जाऊंगा। लेकिन अब उसे सबके सामने दरवाजा खोलकर अंदर जाना पड़ा। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि एक तो आपको देर हो रही है, दूसरा आप सबके सामने अंदर जा रहे हैं और अध्यापक के हाथ में छड़ी है तो डर तो लगना चाहिए। उसे डर लगता है कि उसे मार पड़ेगी। लेकिन जब एम हैमल उसे देखते हैं तो एम हैमल कहते हैं कि फ्रेंच अंदर आ जाओ, हम लोग तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे।
अब जब फ्रेंच अपने स्थान पर जाकर बैठ जाता है और जब उसका डर थोड़ा सा कम हो जाता है मार पड़ने का, तो वो देखता है कि आज उसके अध्यापक ने अपनी सुंदर झालरदार शर्ट पहन रखी है, अपना सुंदर हरा कोट पहन रखा है और अपनी काली छोटी सिल्क की टोपी पहन रखी है, जिसे वो पुरस्कार वितरण के और निरीक्षण के दिनों के अलावा कभी नहीं पहनते थे। इसके अलावा वो देखता है कि पीछे की जो बेंचेस हमेशा खाली रहती थी, उन पर बूढ़ा हाउजर बैठा है जो अपने साथ एक बाल पोथी लाया है। बाल पुस्तक मतलब जैसे का खा गा घा एबीसीडी की पुस्तक होती है, वो बाल पुस्तक है, जो अपने साथ एक बाल पुस्तक लाया है। भूतपूर्व मेयर बैठे हुए हैं, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर बैठे हुए हैं। वो इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी एमएमएल अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि बच्चों, आज फ्रेंच भाषा का अंतिम अध्याय है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, अर्थात ये आपकी फ्रेंच भाषा की अंतिम क्लास है और इसीलिए इस अध्याय का नाम है लास्ट लेसन। लास्ट लेसन मतलब अंतिम पाठ। जब वो कहते हैं कि ये फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है, तो अपनी बात को स्पष्ट करते हुए और आगे अपनी बात को कहते हैं कि बर्लिन से आदेश आ गए हैं कि अलसास और लॉरेन के स्कूलों में अब केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी और जर्मन भाषा के अध्यापक कल आ जाएंगे। जब वो इतना कहते हैं तो फ्रेंच को ये वर्ड एक तरह से बिजली की कड़कड़ाहट के समान प्रतीत होते हैं। उसे लगता है कि ये क्या हो गया, वो दुखी हो जाता है, वो उदास हो जाता है, वो सोचने लगता है कि बड़ी मुश्किल से तो मैंने लिखना सीखा था, बड़ी मुश्किल से मैंने पढ़ना सीखा था और ये जो किताबें हैं, ये जो मेरा इतिहास है, ये सब अब मेरे लिए पुराने मित्र हो चुके हैं, मैं इनको छोड़ नहीं सकता। और वो एक बात और सोचता है, देखिए अध्यापक जो होते हैं उनका स्वभाव थोड़ा सा सख्त होता है, तो वो कहता है कि मेरे अध्यापक का स्वभाव सख्त था, लेकिन ये बात कि अब वो इस देश को ही छोड़कर चले जाएंगे, इस बात की वजह से मैं उनके सख्त और रूखेपन को नजरअंदाज कर बैठा था, यानी मैं इन सब चीजों को भुला चुका था। ठीक है, अब आगे वो कहता है कि काश मैंने अपना पाठ पढ़ लिया होता, मैं सार पर फिसलने ना गया होता, मैं पक्षियों के अंडे ढूंढने ना गया होता। ये सारी चीजें वो सोच रहा होता है कि जो एम हेमल है अध्यापक हैं, उससे पूछते हैं पार्टिसिपल्स के रूल्स के बारे में, क्योंकि पार्टिसिपल्स का रूल पूछने के लिए उन्होंने पहले ही मेंशन किया होता है, पहले ही बताया होता है, तो वो उससे पार्टिसिपल्स का रूल पूछते हैं। तो वो पार्टिसिपल्स का फ्रेंच जो था वो पार्टिसिपल्स का रूल नहीं सुना पाता और वो अपनी डेस्क पर ही अपना डर के मारे खड़े रहता है। तो उसके अध्यापक उसको कहते हैं कि मैं तुमको मारूंगा नहीं, ये जो तुम पढ़ नहीं रहे हो इसके लिए केवल तुम जिम्मेदार नहीं हो, तुम्हारे माता पिता भी जिम्मेदार हैं और मैं खुद भी जिम्मेदार हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारा पाठ पढ़ाने के बजाय दूसरे कामों को करने के लिए भेज दिया था। अब इसके आगे एम हेमल व्याकरण का पाठ पढ़ाना शुरू करते हैं और फ्रेंच ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है कि उसे सब कुछ कितना आसानी से समझ में आ रहा था। वो कहता है कि या तो मैंने इतनी अच्छी तरह से इससे पहले कभी पढ़ाई नहीं की, या फिर मेरे अध्यापक ने इतने सरल और आसान तरीके से आज तक कभी पढ़ाया ही नहीं था। वो कहता है कि ऐसा लग रहा था जैसे एम हेमल एक ही बार में, एक ही क्लास में अपना सारा ज्ञान बच्चों के मस्तिष्क में भर देना चाहते थे। इसके बाद उनका लेखन का पाठ होता है जिसमें एम हेमल सभी बच्चों को नई कॉपियां देते हैं जिन पर फ्रांस अलसास, फ्रांस अलसास बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ होता है। सभी बच्चे अपने लिखने के काम में जुट जाते हैं तो यह फ्रेंच का ध्यान जाता है कबूतरों के ऊपर। कबूतर छत पर गुटरगू कर रहे होते हैं तो वो कहता है, वो मन में सोचता है कि जिस तरह से ये लोग हम लोगों को जबरदस्ती जर्मन भाषा पढ़ा रहे हैं, क्या उसी तरह से ये लोग कबूतरों को भी जर्मन में गुटरगू करने के लिए बाध्य करेंगे। इतनी बातें वो सोच रहा होता है कि तभी एंग्लिश नामक प्रार्थना की घंटी बज जाती है और उसी समय सैनिकों के ड्रिल की आवाज सुनाई पड़ती है। एम हेमल अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और वो कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन उनकी आवाज रुक जाती है। वो बोर्ड की ओर मुड़ते हैं, चाक उठाते हैं और बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं वाइबला फ्रांस, जैसा कि नीचे स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। और वो कहते हैं, सब बच्चों को इशारा करते हैं हाथ से, यानी मुख से कुछ भी नहीं बोलते, वो हाथ से इशारा करते हैं कि आप लोग जा सकते हैं, आपकी क्लास खत्म हो गई। और यहीं पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप इस चैप्टर को
एक एक वर्ड के साथ पढ़ना चाहते हैं, एक एक लाइन के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर सीधा सर्च कर सकते हैं द लास्ट लेसन डिजायर पॉइंट, तो आपको पूरा चैप्टर एक एक वर्ड करके मिल जाएगा। ये समरी भी हमने अपलोड कर दी ताकि आप कम समय में बहुत जल्दी इस चैप्टर को समझ सके। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा। अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना है ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।